तो कैसे हैं विद्यार्थियों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो दोस्तों, ये मैथ म्यूजिक क्लास यूट्यूब पर आपका स्वागत है। तो आज हम जीव विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। जीव विज्ञान जो ये जीव विज्ञान का नाम जो सर्वप्रथम किसने दिया था और कितने ईस्वी में दिया था, तो विद्यार्थियों, जीव विज्ञान का सर्वप्रथम नाम शब्द देने वाले जो है आपका लैंडमार्क फ्रांस से वैज्ञानिक था। लैंडमार्क फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक था जो कि 1801 ईस्वी में 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की गई थी, दी गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि लैंडमार्क फ्रांसी विज्ञानी और ट्रेविरेशन ने क्या किया था, ट्रेविरेशन ने जर्मनी को ये दोनों व्यक्ति मिलकर के यहाँ पर जीव विज्ञान का नाम दिया गया था, जहाँ पर 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की गई थी। तो यहाँ पर जीव मतलब, यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या होता है, जीव, जीव मतलब हो गया जीवन, विज्ञान मतलब हो गया आपको नॉलेज, विशेष नॉलेज। विज्ञान किसे कहेंगे, तो विशेष ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर बायोलॉजी, इंग्लिश में जीव विज्ञान का नाम है बायोलॉजी। बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, तो बायो मीन्स होता है लाइफ, बायो मतलब लाइफ, जिसे लाइफ को बोलते हैं जीवन। तो जीवन के बारे में हमको जानकारी लेना है। यहाँ पर लॉजी मतलब क्या होता है, लॉजिक मतलब यहाँ पर अध्ययन हो गया, अध्ययन, इसके बारे में गहरा पूर्वक से जानकारी लेना। तो जीव विज्ञान जो हमको यहाँ से सर्वप्रथम फ्रांसी वैज्ञानिक लैंडमार्क ने आपको 1801 ईस्वी में इस शब्द को उत्पत्ति की गई थी, जहाँ पर जीव विज्ञान के दो भाग में बांटे गए हैं। जीव विज्ञान के दो भागों में बांट दिया गया है, जहाँ पर पहला है वनस्पति विज्ञान, दूसरा है जंतु विज्ञान। तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, जिसको पिता कहा जाता है, वो अरस्तु को कहा जाता है। जो अरस्तु जो है जीव विज्ञान के काफ़ी डिटेल के बारे में बहुत सारे जानकारी इसको जीव विज्ञान के बारे में दिए थे, जहाँ पर अरस्तु को यहाँ पर कहा गया है जीव विज्ञान का पिता। तो यहाँ पर जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु को। तो अरस्तु ने जीव विज्ञान के बारे में डिटेल दिया था, पूरे जानकारी दिया था। और जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक आपको लैंडमार्क ने और टेरिवेशन ने फ्रांस जर्मनी के वैज्ञानिक था जो ये जीव विज्ञान के बारे में बताए थे और जीव विज्ञान शब्द की नाम दी थी। तो जीव विज्ञान के दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला आपका वनस्पति विज्ञान, जो हम पेड़ पौधे के बारे में जानना और जानकारी लेते हैं। दूसरा है जंतु विज्ञान, जो जीव जंतु जितने भी हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान का जो जनक है, जो पिता है, यहाँ पर थियोफ्रेस्टर को यहाँ पर वनस्पति विज्ञान के पिता कहा जाता है, थियोफ्रेस्टर को। तो थियोफ्रेस्टर को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक, और जंतु विज्ञान के जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि सर, जीव विज्ञान यहाँ वनस्पति विज्ञान में भी है आपका।